हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। बहू, रात के 11 बज रहे हैं, रोहन अभी तक घर नहीं आया है और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू, अपने पति को संभाल कर नहीं रखना आता। उसे फोन लगाकर पूछ कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। विमला जी अपनी बहू को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही है माँ जी, आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो नहीं कि यहां वहां गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके भी हैं, फोन लगाकर पूछ लीजिए कहाँ है और कितनी देर में आएंगे। मधु ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, हाँ मैं तो माँ हूं ना, मैं तो फोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। विमला जी ने पलट कर जवाब दिया, पर इस बार मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए विमला जी जलती भुनती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर रोहन को फोन लगाने लगी, लेकिन रोहन ने फोन नहीं उठाया। ये रोहन भी ना कभी भी टाइम से घर नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहां तो बहू भी उसके जैसी ही आई है, पति से कोई लेना देना नहीं है उसका। अरे, पत्नियां तो अपने पति को संभाल कर बांध कर रखती हैं, और एक इसको देख लो, अब तक रोहन को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई विमला जी वापस बाहर आई तो देखा मधु अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से देखा कि वो सो भी चुकी थी। विमला जी वापस बाहर नहीं हूं। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा। विमला जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब तो वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वह लुढ़क गया तो विमला जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को कुछ नहीं पड़ी तो मैं ही क्या करूं, पहले एक ही खून पीता था, अब दो दो लोग मिलकर पीते हैं, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तानकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में रोहन अभी भी सोया पड़ा हुआ है, जबकि मधु वहीं पास के डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। विमला जी को देखते ही मधु ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी। उसे देखकर विमला जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही तेरी चाय पी, पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय। विमला जी की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो आप बहुत कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं। भला मैं अपना खाना पीना क्यों बंद कर दूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो कभी खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रही हैं आप। मधु की बात सुनकर विमला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर मधु बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी हाई ना हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बना चुकी हूं, अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूं अपने मायके, अपनी माँ से मिलने के लिए, शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को ही क्यों वापस आती हो, वही रह जाना, वैसे भी तेरा इस घर में होना ना होना एक ही बराबर है, जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी। क्या बात कर रही हो आप माँ जी, वही रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की है, बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। कहकर मधु वहां से रवाना हो गई। घर से कुछ दूर पर पहुंचकर ऑटो पकड़ने के बाद अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठते ही उसे वो दिन याद आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान
उससे वह धाराशाही हो गई। जब रोहन शराब के नशे में धुत होकर घर आया था, शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की थी। उसने हैरानी से विमला जी की तरफ देखा तो विमला जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। विमला जी की बात सुनकर मधु हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी। पूरी रात मधु के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन मधु पग फेरे के लिए मायके गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, मां ने जरूर इतना कहा, बेटा जैसा भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़ छाड़ कर भी यहां आई तो तेरे भाई भौजाई रखेंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जिन्होंने ये जानते हुए भी तेरी शादी एक शराबी से कर दी वो तुझे यहां रखेंगे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। मधु को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी रोहन शराब पीकर आता तो मधु रोती परेशान होती, पर विमला जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथ में सौंप कर वो बेफिक्र हो चुकी थी, लेकिन अभी 2 महीने पहले ही रोहन ने शराब के नशे में मधु की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि मधु ने उसे शराब पीने से रोका था। विमला जी ने उसमें भी मधु की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक संभाल नहीं सकती, पूरा घर क्या संभालेगी। मैंने तो ये सोचकर अपनी बेटी की शादी की थी कि घर में बहू आएगी उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करने लगी। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर एक समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या ही करेगा, थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो क्या ही कर लोगी तुम, दोबारा लौटने की सोचना भी मत, हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी मां को रख रखा है वही बड़ी बात है। सो मधु ने भी सोच लिया, जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो रोते रहो, या फिर बेशरम हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। मधु ने दूसरा रास्ता चुना। मधु को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई, रोहन उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो मधु से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए वो अब रोहन से जब वो नशे में होता तो ज्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उसने एक दो बार नौकरी के लिए कहा तो विमला जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद रोहन ने नशे की हालत में विमला जी के कहने पर उसके साथ काफी गाली गलौज किया, इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना भी छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो वो थी ही, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे निकला जाए। इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर वह घर से निकल जाती। अभी 1 हफ्ते पहले ही इंटरव्यू देकर आई थी, वहां से कॉल आया था तो आज वहीं जा रही थी, बस बताया ये था कि मायके जा रही हूं।
वहां पहुंची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे जरूरी पेपर डिपॉजिट कर दिए। उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया था। जब वापस लौट कर आई तो रोहन भी होश में आ चुका था। विमला जी गुस्से में बैठी उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, विमला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहां सास और पति भूखे बैठे हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बेशरम कहेगी। विमला जी की बात सुनकर मधु बोली, कैसी बात कर रही हो आप माँ जी, खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं आप। मधु कहाँ गई थी तुम, अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम तो मायके पहुंची ही नहीं, अचानक रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर मधु ने रोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ ये देखो, ये होता है औरत का त्रिया चरित्र, मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है, विमला जी ने बीच में ही बोला। माँ मैं बात कर रही हूं ना, आप बीच में क्यों बोल रही हो, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है मधु, तुम्हारी सारी जरूरत तो मैं पूरा कर ही रहा हूं, रोहन ने शांतिपूर्वक मधु से पूछा। तब मधु ने कहा, मुझे मायके का कोई संबल नहीं, मुझे अपना संबल खुद बनाना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूं। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूं ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि मैं आपके सामने खड़े होकर यह कह सकूं कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर रोहन सकते में आ गया, जबकि विमला जी ने अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है, बेशरम, अपना घर अपने हाथों ही तोड़ रही है, ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो है उसे भी बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूं, एक इंसान हूं जिसकी अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है, पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूं। बताइए रोहन जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी। रोहन काफी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका जरूर लूंगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहां मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहां विमला जी भी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। आखिर इतना मुश्किल काम जो विमला जी नहीं कर पाई, वो आज मधु ने कर दिया। दूसरे दिन ही रोहन ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों मशक्कत के बाद उसमें वाकई परिवर्तन भी हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज विमला जी अपनी उसी बेशरम बहू की नजर उतारते नहीं थक रही थी। दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।